हेलो गाइस, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको जो है रूट वर्ड्स के विषय में बताएंगे। रूट्स वर्ड्स क्या होते हैं और ये जो है कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्चुअली के रूट्स वर्ड जो है हर किसी, मेरा मानना है कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको रूट्स वर्ड याद होने चाहिए। क्योंकि रूट वर्ड से क्या होता है कि आपको जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको याद करने में परेशानी नहीं होती। और कई बार हम जो है कुछ वर्ड हमें पता नहीं होते, लेकिन अगर हमें उसका रूट पता होता है तो हम उस वर्ड की जो एग्जैक्ट मीनिंग को निकाल लेते हैं और एग्ज़ाम में उसको जो है उसका सही ऑप्शन पे हम टिक इजीली कर देते हैं या उसका सही आंसर दे देते हैं। तो रूट्स वर्ड हम लोगों को पता होना चाहिए। हम जो है अपनी क्लास में अपने वीडियो में आपको रूट्स वर्ड के विषय में बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूट्स वर्ड्स हैं जिन पर अधिकतर जो है वर्ड्स होते हैं और जो पेपर में आते हैं उनके विषय में जरूर बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज दोबारा। सबसे पहले मैं आपसे सभी से यही बात कहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के विषय में बताएं। चलो आइए देना करते चलते हैं। रूट्स वर्ड में जैसे सबसे पहले है एकर या एक्रो। एकर या एक्रो इसका मतलब होता है हाइट या टिप। इससे जो वर्ड बनते हैं जैसे बनता है एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब होता है कि परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क या एक्ट्स ऑन हाई रोप्स। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आपने देखा होगा कि सर्कस में या किसी खेल वगैरह में कुछ लोग जो है रस्सियों पर करतब करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्रोबैट। ठीक है, परफॉर्म डिफिकल्ट एक्ट्स ऑन हाई रोप्स। दूसरा वर्ड आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब जैसे कि आप लोगों का फोबिया का मतलब होता है डर, फियर ऑफ हाइट। एक्रो मीन्स होती है हाइट, तो क्या हो गया एक्रोफोबिया का मतलब, एक्रोफोबिया का मतलब हो गया ऊंचाई से डर। जो अगला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है एक्रोफाइट। एक्रोफाइट मतलब एनी प्लांट्स That grows at a high altitude। ऐसे प्लांट जो हाई एल्टीट्यूड पर उगते हैं उन्हें बोलते हैं एक्रोफाइट। अब आता है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस क्या होता है, स्टेरल। स्टेरल मतलब क्या होता है, घर वगैरह या फिर नगर भी बोल सकते हैं। जो पुराने ज़माने में जो ऊंचाई पर नगर बने होते थे उन्हें स्टेरल बोल दिया जाता था। इसको वैसे होम वगैरह भी कह सकते, महल भी कह सकते हैं। टिपिकल बिल्ट ऑन ए हिल, तो ऐसे घर जो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अब आता है एक्रोटर। एक्रोटर स्टैचू एट द अपेक्स ऑफ ए पेडिमेंट। यानी कि जो घर होता है घर के ऊपर कुछ शोभा बढ़ाने के लिए कुछ आकृति चीज बना दी जाती है उन्हें बोलते हैं एक्रोटर। वो ऊंचाई पर बनाती है जो घर के टॉप होता है, टॉप के ऊपर। जैसे कि आपने कभी देखो जो आपका घर का जो दरवाजा होता है दरवाजे के ऊपर जो है कुछ आकृति बना देती है ऊंचाई पर, तो उसे बोलते हैं एक्रोटर। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।